नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो शेयर के बारे में जिसमें भयंकर तेजी देखने मिला है, जिसमें से एक है हमारा एफएल इंडिया, दूसरा इंडिया मार्ट इंटरमेस। एफएल इंडिया में 10% का अपर सर्किट लग चुका है, 4000 का शेयर 10% का अपर सर्किट, और इंडिया मार्ट इंटरमेस 6.5% अप है। और ये भी शेयर देख सकते हैं काफ़ी महंगा है, तो दोनों शेयर का बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको क्या करनी चाहिए। और ये शेयर देख सकते हैं 9780 रुपीज़ का है, 9780 रुपये का ये शेयर, और इसमें भी 6.5% की तेज़ी। ये दोनों शेयर्स को काफ़ी बार हमने बताया कि ये दोनों काफ़ी बेहतरीन शेयर है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जीरो डेप्ट वाली दोनों कंपनी है, और दोनों ही कंपनी एक ई कॉमर्स बिजनेस में है, दूसरा जो है आईटी कंपनी है। तो दोनों कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है, जो पेंडेमिक से काफ़ी कम प्रभावित होगा, ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए टेक्निकल चार्ट हमने लगाया है, टेक्निकल चार्ट पर देखिएगा इंडिया मार्ट इंटरमेस काफ़ी, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो चार्ट है कंपनी का काफ़ी सॉलिड है। और यहाँ देख लीजिए ये 50 डे का जो ईएमए है, 50 डे के ईएमए को कभी ब्रेक नहीं किया है पिछले, मतलब जो मूवमेंट इसमें आया है, पिछला मूवमेंट यहाँ से देख सकते हैं कि जुलाई से जो मूवमेंट आया है वहाँ से ये 50 डे के ईएमए को कभी ब्रेक नहीं किया है स्टॉक। और उस समय जो ये स्टॉक था जब हम काफ़ी रिकमेंड कर रहे थे आपको, तो 2500 मतलब 2500 रुपये के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था जनरली। यहीं से काफ़ी बार मैंने बताया कि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है। उससे पहले इसमें कुछ खास मूवमेंटम नहीं था, अगर आप 2020 के पहले जाएंगे तो इसमें कुछ खास मूवमेंटम नहीं था, और 2020 से इस स्टॉक में काफ़ी गजब तेजी है। और अब आपको क्या करना चाहिए इसमें, तो आपका जो स्ट्रेटेजी है अब वो जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब रैली छूट जाए तो आपको उसमें नहीं चढ़ना चाहिए, अब आप वेट एंड वॉच कीजिए। स्टॉक कभी कभी गिरता है, नीचे आता है, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अब आप इस रैली को कंटिन्यू होने दीजिए, अब इसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। जब स्टॉक ये देखते हैं कब से कम 20 और 50 डे के ईएमआई के आसपास हो, तब आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। उस समय स्टॉक जो है अपना वहाँ पर कंसोलिडेट होता रहता है, तो कंसोलिडेशन फेज में जब होता उसी समय इन्वेस्ट करना होता, उसी समय आपको इन्वेस्ट करना है जब कंसोलिडेशन फेज में हो। पोजिशनल ट्रेडिंग में तो आप यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो जब पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, उसके लिए हम यहां पर ट्रेंड लाइन खींचते हैं। जैसे ये कंसोलिडेशन हो रहा है तो देखते हैं लगातार ये कंसोलिडेशन का, ये देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन का ट्रेंड है। जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो बस आपको यहाँ पर पोजिशन बनाना है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग इसके लिए। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में देखते हैं यहाँ पर था, तो लगातार इस ट्रेंड लाइन पर ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, और यहाँ पर ये 50 डे के ईएमए को सपोर्ट लिया। 50 डे ईएमए के सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर चलना शुरू हुआ, तो जो ये लाइन था ट्रेंड लाइन इसका कंसोलिडेशन फेज का, इसका जैसे ऊपर गया तो यहाँ पर आप पोजिशन ले सकते थे। तो उसके बाद देखते हैं कुछ ही समय में ये यहाँ पर आ गया 7000 से ऊपर, 7500। उसके बाद यहाँ फिर से ये कंटिन्यू करता रहा, फिर यहाँ पर जाकर ये कंसोलिडेट हुआ, तो फिर यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। जैसे इस ट्रेंड लाइन को, कंसोलिडेशन के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, वैसे आप पोजीशन बना सकते हैं। देखिए जो ट्रेंड लाइन है कंसोलिडेशन का, इसको जैसे ब्रेक करता है ये ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पर पोजीशन लेते आप, तो ये 8278 रुपया से अभी आप देखते हैं 9780 रुपीज पहुँच चुका है, लगभग 1500 रुपया से भी अधिक का रिटर्न प्राप्त होता है एक शेयर पे। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन स्टॉक है, इस पे नजर बनाए रखना है, जब भी फिर से कंसोलिडेशन फेज में आता है वहीं पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट आता है तो निश्चित है ये इस स्टॉक में भी गिरावट आएगा। अगर 50 डे के ईएमए और 200 डे के ईएमए पे मिलता है तो जरूर एसआईपी करना स्टार्ट करें, कभी भी एक ही बार में सारा का सारा रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर कंपनी में कोई बैड न्यूज आता है, कंपनी का कोई बिजनेस प्रभावित होता है, फिर इसमें उतना ही तेज गिरावट भी हो सकता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला जो स्टॉक है हमारा एफएल इंडिया, एफएल इंडिया में आज 10% का अपर सर्किट लगा, और ये भी काफी जबरदस्त है। देखते हैं 50 डे के ईएमए को ये भी कभी ब्रेक नहीं किया, 50 डे के ईएमए को लगातार सपोर्ट लिया है, देखते हैं 50 डे ईएमए पर लगातार सपोर्ट। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो अपना पिछला हाई बनाया था उस हाई से ऊपर जा चुका है, पिछला हाई इसका लगभग 4070 रुपीज के आसपास था, मतलब 4100, तो आज उससे ऊपर निकल चुका है। कल ये अगर कंटिन्यू करता है
तो फिर आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी ट्रेंड लाइन अपना जो प्रीवियस हाई था ऑल टाइम का उसको ब्रेक ही किया है, तो अभी इसमें टाइम है, आप इसमें चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं अगर ये कंटिन्यू यहाँ से मोमेंटम करता है तब। तो कंटिन्यू मोमेंटम कैसे पता चलेगा, आपको लगाना है आवरली चार्ट। देखिए जैसे आवरली चार्ट लगाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आवरली चार्ट पर ये यहाँ से मोमेंटम का शुरुआत ही किया है, और यहाँ पर ये फिर कल यहाँ से आगे ओपन होता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। ओपन होने के बाद 30 मिनट आप देखिएगा, 30 मिनट का जो कैंडल बनेगा पहले 30 मिनट का, अगर पहले 30 मिनट से ऊपर चलता है ये तो फिर पोजीशन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस अपना रख लीजिएगा, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस का पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि स्टॉक में जितनी तेजी हो वो स्टॉक उतनी तेजी से गिर भी सकता है, लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, मैंने कई बार आपको बताया था। तो ये दोनों स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन है, गिरावट में मिलता है, कंसोलिडेशन फेज में जब मिलता है, गिरावट मिले, कंसोलिडेशन जिस समय कर रहा है उस समय मिले तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। तो ये दोस्तों काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, और जब भी आपको मिले इन्वेस्ट करते रहिए, और धीरे धीरे आपका अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, अच्छा स्टॉक है। और यहाँ पर पीछे भी चार्ट देखिएगा तो ये काफ़ी सॉलिड है, यहाँ पर देखिए यहाँ से जो गिरावट आया था मार्च अप्रैल में, ये गिरावट हर स्टॉक में, इस गिरावट को छोड़ दीजिए तो ये कभी भी देख सकते हैं 50 डे के ईएमए को ब्रेक नहीं किया है स्टॉक, जब से चला है 2020 में, 2020 के आईटी के स्टॉक जो है, और जो भी वैसे स्टॉक है जिसके बिजनेस को पैंडमिक से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो सारे स्टॉक में एक गजब की रैली देखने मिला है। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक है, इसमें क्या करना है आपको मैंने बता दिया कि जब भी कंसोलिडेशन फेज में, यहाँ पर देखिए ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, कब समझेंगे कंसोलिडेशन फेज में, जब ये 50 ईएमए को मतलब यहाँ पर टच कर ले, 50 ईएमए को अगर ब्रेक करता है तब 200 डे के ईएमए का सपोर्ट का मतलब इंतजार करेंगे, या आप 100 डे के ईएमए भी लगा सकते हैं, इस बीच में आएगा 100 डे के ईएमए पे सपोर्ट लेता है तो वहाँ पर एसआईपी स्टार्ट करेंगे, अगर 50 डे के ईएमए को ब्रेक करता है तो फिर 200 डे के ईएमए पे हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। एक ही बार आपको सारा नहीं लगाना है, थोड़े थोड़े मतलब स्टॉक आपको बाय करना है जहां पर कंसोलिडेट करे, यही स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है इन्वेस्ट करने के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना है। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।